स्वागत है आपका ग्रीक सक्सेस आईक्यू के अंदर। और आप लोगों के जो एफसीआई एजीएम के एग्ज़ाम हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम अच्छे हुए हैं, वो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। और इंटरव्यू के लेकर मेरे पास जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इंटरव्यू प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें। तो आज सभी के क्वेश्चन हैं जो आपके जितने भी प्रकार के, उनके हम आंसर यहाँ पर देंगे। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि इंटरव्यू में बच्चे पूछ रहे सर पास हो पाएंगे या नहीं, तो मैं आपको ये बता दूं कि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको फेल नहीं किया जाता, ठीक है, फेल नहीं किया जाता, परंतु आपका सिलेक्शन जो है, ठीक है, सिलेक्शन वो है वो आपका इंटरव्यू करवा सकता है। क्योंकि ये इंटरव्यू में कभी भी आज तक की हिस्ट्री हम देखें तो इंटरव्यू में किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाता है, लेकिन अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो वो आपका इंटरव्यू करवा सकता है। क्योंकि इंटरव्यू में जो बात करते हैं आपके कॉमन जो पासिंग मार्क्स है इंटरव्यू की जो है वो आपके 7-8 से लेकर के और 20 मार्क्स तक आपको नंबर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे 7-8 का मार्क्स है और एक 20 मार्क्स किसी को दिए या 90 मार्क्स दिए हैं या 18 मार्क्स दिए, तो आप इनका अंतर देख लिया, जो 50% का अंतर यहाँ पे आपको मिल जाता। तो इसलिए जो है इंटरव्यू में कभी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाता, परंतु इंटरव्यू आपका सिलेक्शन ज़रूर करवा सकता है। और यही मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे खुद की अगर मैं अनुभव बताऊं तो मेरा जो एएफओ का था, एएफओ के अंदर बात करते हैं तो मेरे को एएफओ के अंदर 17 मार्क्स कितने दिए थे आउट ऑफ 20 के अंदर से 17 मार्क्स दिए थे, जो कि बहुत अच्छा स्कोर था। और कॉमनली स्टूडेंट को 8 से 9 मार्क्स भी दिए हैं, 8 से 9 नंबर भी दिए हैं, लेकिन यहाँ पे 17 मार्क्स मुझे मिले थे इंटरव्यू के अंदर। और उसमें भी मैं आपको यही बता दूं, अब किसी की भी बच्चे के अगर वो इंटरव्यू के अंदर लीड ले जाता है जिसको 8 मिले और उस मेरे को 17 मिले, तो आप लोग यहाँ पर सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने नंबर का, यहाँ पर 9 नंबर का जो है डिफरेंस रह जाता है। तो 9, ठीक है, तो 9 नंबर का डिफरेंस जो होता है ये आपका सिलेक्शन करवाता है। और एग्ज़ाम के अंदर तो 0.25 का भी बहुत बड़ा रोल होता है, 0.25 से भी फेल हो जाते हैं और 0.25 से आप लोग जो है इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं। तो कहीं भी आपको इंटरव्यू को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इंटरव्यू के लिए विशेष प्रकार की क्लास नहीं है, इंटरव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको खुद को तैयार करना होता है। आप अपने आप को तैयार करें, आप अपने आप को कैसे परफॉर्म कर पाते हैं, आपकी जो रियलिटी में आप हैं वो आपको प्रेजेंस वहाँ पर करना होता है कि आप क्या चीज़ है और आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आप उसके लिए एबल है या नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू में कभी भी फेल नहीं किया जाता है, मिनिमम मार्क्स आपको दे ही दिए जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का इंटरव्यू हो, चाहे यूपीएससी कंडक्ट करवाती हो, आरपीएससी कंडक्ट करवाती हो, बैंकिंग आईबीपीएस कंडक्ट करवाता हो, एफसीआई कंडक्ट करवाता हो, तो आज तक की हिस्ट्री के अंदर किसी भी कैंडिडेट को इंटरव्यू के अंदर फेल नहीं किया जाता। लेकिन सिलेक्शन का भी एक रीज़न जो है इंटरव्यू हो सकता है, हो सकता है आपके बहुत अच्छे मार्क्स हो तो आपको इंटरव्यू में कम स्कोर मिलता है तो भी आप सिलेक्ट हो जाते हो, परंतु अगर आपके मार्क्स जो है रिटर्न में कम है और आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छा गया तो आप लोग वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो। तो इस चीज़ को आप माइंड से निकाल दें कि इंटरव्यू में फेल होते हैं, तो इंटरव्यू में कभी भी बच्चा फेल नहीं होता है और इंटरव्यू आपको सिलेक्शन दे सकता है, इंटरव्यू फेल कभी नहीं करवाता। तो आप लोगों के सामने हम ये चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है उस क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, पूरे किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात आप लोगों के सामने कर लेते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि टेल मी ए लिटल अबाउट योर सेल्फ, उनका मतलब ये था है आप अपने बारे में बताइए। और ये सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है आप इंटरव्यू का डायरेक्शन यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ठीक है, इंटरव्यू का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं कि आपको किस हिसाब से इंटरव्यू देना है या वो आपको किस अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछें। आप यहां पे अपने बारे में खुद के बारे में बताते हैं तो आपको यहां पे जो है मिनिमम जो है 60 सेकंड या 1 मिनट तक का आप अपने बारे में बता सकते हैं। और यहाँ पे आप ऐसी चीज़ कोई अपनी है जो जिस बारे में आपका बहुत ज़्यादा अनुभव है आप उसके बारे में बता सकते हैं, जिससे कि वो आपकी ओर एक अट्रैक्ट हो या आप अपने बारे में अच्छे से उसको बता दें, तो कि वो आपसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे, आपसे बाहर के क्वेश्चन ना पूछे। जैसे हम बात करते हैं, मेरे से ये पूछा गया था कि आप अपने बारे में बताए, तो मैंने ये बोला कि जो हमारे यहाँ पे मैं गंगानगर से बिलोंग करता हूँ, गंगानगर की मैंने उसमें एक दो विशेषता बता दी। तो उन्होंने फिर मेरे को ज़्यादातर विशेष उसी बारे में पूछा, फिर मैंने उसके बारे में जो बताया था जैसलमेर के बारे में, तो उन्होंने फिर मेरे से जैसलमेर के बारे में पूछना शुरू कर दिया। और आपको पता है जैसलमेर एक हेरिटेज जगह है और वहाँ के बारे में उन्होंने पूछना था और वो मुझे पता था, मैं अच्छे से घुमा हुआ था, तो मैं उनको एकदम अच्छे से, तो वहाँ पर मेरा पूरा जो है कोऑपरेटिव टाइप का एक माहौल बन गया था
और मेरे से कहीं भी बाहर का क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा था। तो इसी प्रकार आप अपने आसपास की जो जगह है उसके बारे में आप ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ को इंटरव्यू में डाल दीजिए जिसके बारे में आपको फुल नॉलेज है, तो आपका इंटरव्यू कहीं ना कहीं उस ओर घूम जाता है। वो आप डायरेक्शन चेंज करना आपके हाथ में होता है, आपके पास एक मिनट का समय होता है जो आपको वो देते हैं कि आप इंटरव्यू की दिशा तय कर लें। और जब आप इंटरव्यू की दिशा तय कर लेते हैं तो आपका बहुत इजी हो जाता है सिस्टम, क्योंकि वो आपके दिशा के अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन को आपको नहीं पूछते हैं। और उसमें आपकी क्वालिफिकेशन है तो क्वालिफिकेशन रिलेटेड आप किसी भी जिस ब्रांच से हैं उससे क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर के तो आपको एग्रीकल्चर फील्ड की जानकारी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर का जो है आपके इंस्टीट्यूशन जिसमें आप जा रहे हैं FCI के अंदर जा रहे हैं तो उसमें क्या रोल है क्या नहीं रोल है, वो सारी जानकारी आपको होना आवश्यक है। आगे हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस। अब ये वीकनेस वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे स्टूडेंट को जो है आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, तो ये चीज़ें आप लोगों के खुद को प्रिपेयर पहले से करनी है और उसको बनावटी नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए। और कभी भी आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर जो वीकनेस है लेट तक सोने की मेरी वीकनेस है, या हम लेट तक सोते रहते हैं, हम किसी से जल्दी लड़ाई कर लेते हैं, इस हिसाब से आपकी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। आपकी वीकनेस ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर सुधार पॉसिबल हो। जैसे हम बात करते हैं आप लोग ये कहते हो सर मेरी इंग्लिश जो है इंग्लिश में मेरी रीडिंग और जो राइटिंग या बात करने में मैं इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं इंग्लिश में अंदर उस वीकनेस के लिए आप क्या करें ये भी आप साथ में बताएं। सर मैं इंग्लिश जो है इंप्रूव करने के लिए रात दिन जो है इंग्लिश न्यूज़ पढ़ता हूँ, इंग्लिश के बारे में मान लो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं इंग्लिश सुधारने की कोशिश करूँ, तो ये आपकी वीकनेस होती है। वीकनेस ऐसी बताइए जिसका आपके इंस्टीट्यूशन के ऊपर आपकी जॉब के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़े। तो ज़्यादा इसके बारे में अपने बात नहीं करते, तो आपको वीकनेस के बारे में अगर और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल से वीडियो चाहिए वीकनेस स्ट्रेंथ के बारे में आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे सकूँ। और आगे बढ़ते हैं, अब है आपकी वीकेस्ट जो है स्ट्रेंथ क्या है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आप खुद एनालाइज़ कीजिए, आपकी बहुत सारी स्ट्रेंथ होगी, आपकी मजबूतियां बहुत ज़्यादा होगी, आपने जो है आप विपरीत परिस्थितियों में डिसीजन पावर जो आपकी अच्छी होगी, आप लोग डिसीजन ले सकते हैं और आप अच्छे काम कर सकते हैं, या आप कहीं भी जो है परेशान नहीं होते, आप किसी भी प्रकार की दुविधा से परेशान नहीं होते, तो ये आपकी मजबूतियाँ होगी, ठीक है। और आपको जितना भी वर्क दिया जाता आप उसको आराम से लेते हैं, या आपकी विपता आती थी उसमें आप जो है आराम से ध्यान से निर्णय पर पहुँचते हैं, तो ये चीज़ आप होती है स्ट्रेंथ होती है। तो आप लोगों को इसके बारे में भी आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कोई सोचने की आवश्यकता नहीं, स्ट्रेंथ आप अपने आप तैयार कर लीजिए। और ऐसी स्ट्रेंथ बताइए जो कि आपके इंस्टीट्यूशन में जिसमें आप काम करने जा रहे हैं वो आपके वहाँ पे जो है आपकी मजबूती प्रदान करें, वो आपके इंस्टीट्यूशन में आपके जॉब के अंदर वो आपकी हेल्प कर सके। और आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो आप 5 साल में वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स, कि आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो आप अगर बैंक में जा रहे हो आप वहाँ पे ये बात करें सर जो आफ्टर 5 ईयर जो है एक गुड बैंकर के रूप में देख सकता चाहता हूँ, या फिर आप FCI AG में जा रहे हो तो आप FCI AG में जो भी करना चाहते हैं अचीव करना, सर मैं एक अच्छा FCI जो है एम्प्लॉई बनना चाहता हूँ, एक अच्छा कर्मचारी बनकर रहना चाहता हूँ, तो आप इस हिसाब से उसके बारे में जानकारी वो है आप दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कॉमन कर लिया जाता है जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके द्वारा। और आगे चलते हैं, आगे जो है उन्होंने ये लिखा है कि आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स वाई शुड वी हायर यू, कि इन सभी उम्मीदवारों में हम आपको क्यों नियुक्ति दें। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, आप ये कभी मत बोलें कि सर दूसरे इस कैंडिडेट कमज़ोर है मैं अच्छा हूँ, ये नहीं कि सर अदर कैंडिडेट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, परंतु जहाँ तक सर मैं मेरी बात करता हूँ तो मैं शायद इस जॉब के लिए एक एबल हूँ और इसलिए आप मुझे हायर करें। उसमें किसी भी अदर पर्सन की जो है बिल्कुल भी कटवी ना करें, उसके बारे में गलत विचार ना दें कि सर वो ऐसे है इसलिए मेरे को ले लो, या इस हिसाब से, या आप ऐसे दिखाएं वहाँ पे कि सर मेरे को ही ले लो, तो ऐसी लालसा नहीं दिखाएं। और किसी भी कैंडिडेट के बारे में वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल ना छोड़ें। इंटरव्यू की सबसे बड़ी बात है वो आपको हमेशा ले जाते हैं आपकी नेगेटिविटी देखने के लिए, तो आप इंटरव्यू के अंदर कभी भी नेगेटिव पॉइंट के बारे में बिल्कुल ना सोचें, किसी भी प्रकार का नेगेटिव पॉइंट ना बोलें, चाहे आपने पहले किसी कंपनी में काम किया तो भी आप नेगेटिव चीज़ कभी ना बोलें। वो हो सकता है आप उकसाएं नेगेटिव बोलने के लिए, सरकार के बारे में उकसा सकते हैं, कांग्रेस ऐसे है BJP ऐसे है किसी भी प्रकार, तो आपको नेगेटिव थॉट वहाँ पे नहीं देना है, अपना ओपिनियन एक बिल्कुल संतुष्टि के साथ और बिल्कुल आराम से देना है। और आगे बात करते हैं कि जो आप अगर किसी भी जॉब में हैं तो वो आपसे पूछेंगे पर वर्तमान नौकरी क्यों छोड़ा, तो आप है कि अच्छी जॉब आगे हमें मिल रही तो इस वजह से हम इसको छोड़ना चाह रहे हैं, या इसमें स्टेबल नहीं है, इसमें कुछ भी है, तो आप बता सकें, इसमें ज़्यादा कमियां नहीं बताएं और इसमें ज़्यादा जो इस हिसाब से नहीं बताएं कि आप इसको परेशान होकर छोड़ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन उसमें आप बिल्कुल ना बताएं। और आगे बात करते हैं
ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी जो हमने पहले फर्स्ट पर्सन बात की थी, आपके नियरेस्ट फेमस पैलेस है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, एनी अदर इवेंट, आपके नज़दीक कहीं भी कोई अभी इवेंट हुआ हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम हुआ हो जो फेमस हो, स्टेट लेवल पर फेमस हो या कंट्री नेशनल लेवल पर फेमस हो, उसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। चाहे आपके पास में पैलेस है, जैसे हम बात करते हैं कोई जोधपुर के पास से है तो जसवंत थड़ा हो गया, या चामुंडा माता जो पहले एक दुर्घटना हुई थी उसके बारे में आपको जाना, अजमेर से हैं तो वहाँ पर अजमेर दरगाह शरीफ उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, कोई यूपी आगरा से तो उसके आगरा किले के बारे में जानकारी होनी चाहिए, दिल्ली से तो लाल किले वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से पंजाब में तो अमृतसर जो है गुरुद्वारा साहिब है वहाँ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आप जिस स्टेट से हैं आपके वहाँ पे जो पॉपुलर प्लेस है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप लोग अपनी डायरेक्शन उसके बारे में, जब आप अच्छी जानकारी उसके बारे में देंगे तो वो आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से पूछेंगे और उनका जो इंटरव्यू का पैनल का रवैया होगा वो एक बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपका इंटरव्यू जो है बहुत अच्छा जाने की उम्मीद होगी। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट है कि संस्थान के बारे में पूरी जानकारी, जैसे अब आप बैंक के बारे में जा रहे हैं, बैंक के अंदर जाते हो बैंक के बारे में जानकारी, अगर आप एफसीआई में जा रहे हैं, ठीक है, एफसीआई में जा रहे हैं तो आपको एफसीआई में वर्क कल्चर और उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, एफसीआई की स्थापना है, एफसीआई एक्ट है, एफसीआई का क्या काम है और आपके नियरेस्ट जो एफसीआई का गोदाम कहाँ पे है, एफसीआई का एजीएम कौन है, तो ये अगर आपको पॉसिबिलिटी तो आप जानकारी रख सकते हैं, वरना आप वहाँ पे प्यार से ये भी कह सर सॉरी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, आप ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सकते हैं आपको एफसीआई के बारे में पूरा जानकारी हो ही जानी चाहिए, आप लोग पढ़ लेना चाहिए एफसीआई के बारे में। आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के पढ़ सकते हैं कि एफसीआई जो है एजीएम, उसके लिए हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, काम इसके क्या क्या होते हैं, इसकी जो ब्रांचेज कितनी है, इसके हेडक्वार्टर कितने, ये आपके थोड़े बहुत उसमें मिल जाता है एफसीआई की वेबसाइट के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कि आपको किस तरह के वातावरण, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क एनवायरनमेंट डू यू लाइक बेस्ट, कि आप किस प्रकार के वातावरण को जो है बेस्ट मानते हैं या किस प्रकार के वातावरण में आप काम करना चाहते हैं, तो आप ये देखिए किसी भी प्रकार का वातावरण है उसके बारे में आप लोग जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं और आराम से उस चीज़ को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हम चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट कि व्हाट योर लीडरशिप, ये देखिए आप जैसे एफसीआई एजीएम की बात करते हैं, अगर आप एजीएम जा रहे हैं, आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर जा रहे हैं वहाँ पे, एज ए आप लीडर जा रहे हैं, आप क्या है एक लीडर जा रहे हैं, तो आपके ये लीडरशिप से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं आप लोगों को आने चाहिए, आपके नेतृत्व प्रणाली क्या, आप कैसे नेतृत्व करते हैं, और लीडरशिप से संबंधित जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं आपको कवर करने जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप एज ए लीडर बन के जा रहे हैं। एजीएम जो जनरल असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है दोस्तों, ये कोई छोटी पोस्ट नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है और इसके लिए आपको लीडरशिप क्वालिटी जो है उसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। वैसे भी आप एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से या किसी भी बैकग्राउंड से, तो अगर आप ग्रेजुएशन की तो आपको लीडरशिप क्वालिटी के बारे में थोड़ी जानकारी होगी, लेकिन आपकी लीडरशिप क्वालिटी के बारे में जो क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं उसके बारे में आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर लें अच्छे से, तो ये आपके लिए बेटर होगा। आगे बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट है कि आपके लास्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके कोई क्वेश्चन हो जो हमारे से आप पूछ सकते हैं, आप हमारे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी, आपको अगर कोई आपकी शंका हो थोड़ी बहुत, कभी भी ये मत पूछना सर सैलरी कितनी दोगे, सर टाइम कितने घंटे होगा, कितने घंटे काम करेंगे, कितने कहाँ पोस्टिंग देंगे, तो इस प्रकार से कोई भी प्रकार आप पर्सन नहीं। हाँ, आपसे ये पूछा जाता सर, आपसे जब पूछा जाएगा आप जो है हमारे लिए कोई क्वेश्चन हो तो आप ये पूछ सकते हैं, सर मेरे इंटरव्यू के अंदर मेरे अंदर कोई कमी है तो उसके बारे में प्लीज़ बता दीजिए, अगर मेरे अंदर कोई ऐसी लग रही है अभी इस चीज़ के बारे में मुझे सुधार किया तो ये आप थोड़ा कॉमन क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अदर प्रकार से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते सर सैलरी क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना है। और दोस्तों इंटरव्यू में आपको कभी भी फेंकनी नहीं है, ये ध्यान रखना, फेंकनी नहीं है मतलब ये गप नहीं मारनी है, झूठ नहीं बोलना, ये अगर आपको ऐसे काम करोगे तो आप लोगों को इंटरव्यू ये है वापस ले जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और इंटरव्यू के बारे में और भी किसी भी प्रकार की आपकी क्वेश्चन संबंधित जानकारी चाहिए और कोई भी प्रकार की डिटेल से आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे साथ में इसमें कमेंट कर सकते हैं। और इंटरव्यू सीरीज़ में दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो होगा शायद, अगर आप लोग आगे चाहेंगे तो मैं एक बहुत अच्छी जो इंटरव्यू सीरीज़ लेकर के आ जाएंगे, हम एफसीआई एजीएम जो मेरे साथ में लगे हुए हैं, मैनेजर भी लगे हुए हैं बहुत सारे और टेक्निकल असिस्टेंट लगे हुए हैं, उनसे हम लगातार बने हुए हैं और उनसे बात भी करते हैं, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंटरव्यू। लेकिन वही अगेन मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि इंटरव्यू आपको फेल नहीं करता लेकिन इंटरव्यू आपका सिलेक्शन करवा सकता है, तो ये चीज़ आप हमेशा माइंड में रखिए, इंटरव्यू कभी फेल नहीं करता लेकिन आपका सिलेक्शन करवा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। और उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।